वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सूफी माकड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं जो हूँ इस वक्त राजस्थान में, जैसे कि जो चेहरा आप देख रहे हैं, चेहरे को लोग पहचानते हैं, मेरे को इंट्रोडक्शन की इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम हमारे व्यूवर्स को बता दें, KGN गोट फार्म पर हूँ नईम भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सुफियान भाई। नईम भाई खैरियत? अल्लाह का एहसान है। नईम भाई शायद 5-6 साल हो गए हमें मुलाकात को, भी काफ़ी टाइम निकल गया। जी बिल्कुल, इसमें 3 साल तो हम आ नहीं पाए, और उसके बाद भी जब आए तो थोड़ा जल्दी में निकल गए थे। माशाल्लाह नईम भाई जो है KGN गोट फार्म से आपका फेमस है। KGN गोट एंड एग्रो फार्म निम्बोल। निम्बोल, ओके। नईम भाई कितने साल पुराना काम काज है अपना? काम तो करीब अल्लाह करम से करीब 15 साल हो गए, मतलब इसी लाइन में है, मतलब बकरी की लाइन में। और 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, ओके। नईम भाई पहले जो है हम सूरत में आते थे, बिल्कुल सचिन मंडी पर, लेकिन अब कहाँ पर जा रहे हैं बकरे लेकर? एक्चुअल सुफियान भाई सचिन में भी हमारा माल कंटिन्यू आता है, और जैसे अभी हमारा एक वसई पे भी एक काउंटर खुला है, और वसई में हमारा माल कंटिन्यू रहता है। वसई में? जी, ओके। तो जिस किसी को ना, जो मुंबई के क्लाइंट्स है उनके लिए तो ये स्पेशली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नईम भाई ना अच्छी अच्छी चीजें मैं नहीं मानता हूँ कि वहां तक रुकती है, वो यहीं से ना बिक जाती है। हाँ, जैसे मतलब क्वालिटी बकरे हैं, वजनदार बकरे हैं, जो कुर्बानी करने वाले कुछ बकरे यहाँ से लेते हैं, और जैसे सूरत में 35 और 30 ये फरहान बोरिया और तनवीर के पेडी पे कंटिन्यू माल आता है सूरत में, 35 पे। ओके। नहीं भाई जैसे कि ना बताया आपने कि जो क्वालिटी बकरे रहते हैं, बड़े बकरे रहते हैं, वो निकल जाते हैं, आप यहीं से भी निकल जाते हैं, ऑनलाइन में भी हम वही चाहते हैं। नहीं भाई हमारे जो है ये वीडियो के अंदर में कुछ 30-35 बकरे हैं। हाँ, कुछ मतलब करीब 30-35 बकरे का लॉट है पूरा। रिटेल में आएंगे नहीं भाई या पूरा होलसेल में भी देंगे? जैसा मतलब कस्टमर अगर स्क्रीनशॉट लेके भेजता है तो एक एक दो दो बकरे भी अगर किसी को समझ में है तो मतलब देंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा चलिए। नहीं भाई पहले वाला ये बकरा है माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है, आप बताइए इसके बारे में। ये सुफियान भाई करीब 41-42 के समथिंग हाइट है, और 130 किलो इसका वेट है। 130 केजी वजन है? 130 किलो कंफर्म, मतलब कांटे पे डाल के 130 किलो वेट, कांटा किया गया है? कांटा किया हुआ। ओके, आप प्योर सोजत में है? प्योर सोजत का। 130 केजी 130 केजी पर है। नईम भाई क्या मांगेंगे हम इसका?
अब सुफियान भाई रेटे अगर ओपन नहीं रहेगी तो बेटर रहेगा, मतलब जैसे ऑन डिमांड स्क्रीनशॉट भेजता है अगर कोई कस्टमर तो रेट ओपन करेंगे। ओके ठीक है, क्या दांतों पर है? ये छह दांत पे है सुफियान भाई, अभी छह दांतों पर है, छह दांतों पर है। थोड़ा छह दांतों पर है, माशाल्लाह बकरे की बनावट बहुत आई है। सेल्फ फीडिंग में 130 kg, सेल्फ फीडिंग पे नहीं, 130 kg पर जाना इजी बात नहीं है, 130 kg पर लेकर जाना। हजरत में थोड़ा इसको घुमाइए, इसका थोड़ा सीना वगैरह दिखाइए, घुमाओ, माशाल्लाह बहुत बड़ी पेटी का बकरा है, बड़ा बकरा है। और अगर इसको कोई पलटी मारने के लिए अगर रखे तो एक साल रुकने लायक का बकरा है, जैसे चला फिरा के आपको दिखाते हैं बकरे में सारी चीजें, पांव बिल्कुल सही है, पांव वगैरह सारे इसको चला फिरा के घुमा के भी पूरा दिखा दिए। नहीं मैं अगर कोई बकरा बंदा कोई खरीदता है, समझ लीजिए कि ये बकरा कोई बंदा खरीदता है और अपने यहाँ पर पलाई पे छोड़ना चाहता है जी, पलाई पे रखते हैं हम। आप पलाई पे अभी फिलहाल तो मतलब अभी नहीं रख रहे हैं सुफियान भाई, लेकिन अभी मैं एक सेंक्शन चालू कर रहा हूँ इंशाल्लाह कुर्बानी के बाद, तो उसके अंदर पलाई का ही पूरा सेंक्शन चालू कर रहा हूँ, पूरा सेटअप एक जगह बन रहा है मेरा, तो उसके अंदर पूरा पलाई सेंक्शन स्टार्ट करूंगा मैं। ओके, करीब 200 बकरे तक की पलाई लूंगा मैं। ओके, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अगर जो भी हो आप बात कर सकते हैं नई से। और फिलहाल अगर कोई पार्टी अगर कुर्बानी पर्पज के हिसाब से अगर रखना चाहे तो इंशाल्लाह अगर सौदा होता है और अगर कोई 2 महीने के लिए अगर रखना चाहे तो इंशाल्लाह रख लेंगे। ओके नई भाई, जो भी बंदा खरीदता है कुर्बानी के कितने दिन पहले एक्चुअली उनको मंगाना पड़ेगा? कुर्बानी के 10 दिन पहले माल मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन पहले हम लोग खुद निकल जाते हैं इधर से। हाँ, तो हमारा भी मार्केट में माल उतरता है, जैसे बॉम्बे में भी हमारा माल उतरता है, सूरत में भी हमारा माल उतरता है, वसई वेस्ट में भी माल उतरता है, तो हम लोगों के भी बाहर निकलना पड़ता है। ओके, फिर बेच नहीं सकते। ओके चलिए, ये है पहले वाला हो गया, हम कुछ बकरे दिखाएंगे बाद में, जो सारे लॉट भी दिखाएंगे जी। चलिए नहीं भाई, ये दूसरे दो और बकरे हैं, आप कुछ इस वजह से बता रहे हैं ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेकर भेजना हो उसके लिए आसानी रहे। नहीं मैं पहले ये वाला बकरा क्या डिटेल्स पर होगा? ये बकरा करीब 90 किलो का बकरा है, 90 kg जी, पूरा मार्बल सिंह का है और वाइट खुर है पूरे, ये दोनों बकरे में एक ही तासीर है, दोनों के मार्बल सिंह है और वाइट खुर है। कितने दांत पर होगा ये? ये चार दांत पे, दोनों चार दांत पर, गुलाबी बकरा है माशाल्लाह। ओके चलिए, ये है दूसरे वाला, इसकी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है। क्या वजन पर होगा नहीं भाई? ये 95 किलो का बकरा, 95 kg, चार दांत, चार दांत। क्या हाइट पर होगा? हाइट होगी करीब 39-40 के करीब, 39-40 के करीब। थोड़ा उसका फेस इधर निकालिए, पूरा पिंक में पलटी कर सकता है नहीं भाई को ये बकरे? जी सर, पलटी कर सकता है ये बकरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पलटी के लिए अगर किसी को चाहिए तो मतलब ये बकरे पलटी हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, अच्छी चीज है माशाल्लाह। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले भेजे, आपको प्राइस के लिए जो है आपको कॉल पर बता दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले भेजे। चलिए तीसरे वाला, चौथे वाला लाएंगे, ये जो है चौथे वाला है नईम भाई, बताइए इसके बारे में। ये भी मार्बल सिंह है और 90 किलो का बकरा, 90 kg, मार्बल सिंह, मार्बल खुर, मार्बल खुर है। चार दांतों पर होगा? नहीं ये भी चार दांत है, चार दांतों पर है। ओके, क्या हाइट होगी? हाइट करीब 38 के अराउंड रहेगी। ओके, इसके लिए जो है आप स्क्रीनशॉट ले भेजे। एक और वाला नेक्स्ट दिखाइए, छोड़ दो इसको, क्वालिटी चीज। चलिए आप बताइए, अबलक में, ये अबलक में है सुफियान भाई और करीब 93 किलो का बकरा, 93 kg। ओके, क्या हाइट पर होगा? नहीं हाइट 38-39 करीब है, 38-39 पर। थोड़ा आगे की तरफ घुमाइए अजुद्दीन भाई, चार दाग, सीना वगैरह देखिए आप, माशाल्लाह अच्छे बनावट के बकरे हैं। नहीं भाई, हमारे पास बजट गोट्स यानी कि जो वजन में कम हो, 60-70 kg ऐसे बकरे भी रहेंगे? हाँ बकरे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारी अभी खरीदी स्टार्ट होगी ना तो उसमें हमारे पास एनी टाइम 300-400 बकरे हर दम अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि नहीं भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे बजट में खरीदने वाले लोग हो वो भी जो है उनको भी बकरे केजीएम एग्रो से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हैवी बकरे काफी ज्यादा निकलते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे एक्चुअल क्या है, ये हम लोगों के फार्म के पलाई के है, ये हमारे जैसे हमारी पूरी फैमिली है, हमारी फैमिली में करीब 450-500 बकरे पलाई होते हैं, जिसमें मतलब ये हमारे खुद के पर्सनल घर की पलाई के बकरे हैं। ओके, ये पूरे साल पाले हुए बकरे जी, जी। और जैसे कि
अन्य में सारे बकरे वैक्सीनेट जाएंगे और सारे वैक्सीनेटेड है और पूरा मतलब सेल्फ फीडिंग पे है, सेल्फ फीडिंग पर है। ओके अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसको भी, ये देख ले आप थोड़ा चलते फिरते भी देख ले। चलिए नेक्स्ट, चलिए नईम भाई जो और बकरे हैं इनकी डिटेल्स के बारे में बताइए। सुफियान भाई एक चार दांत का बकरा है, ये अभी फ्रेश अभी छह दांत निकाल रहा है, छठे दांत अभी निकाल रहा है। ओके, और ये वाला जो है ये बकरा 98 किलो का बकरा है, ये वाला 98 केजी। हाइट क्या होगी नईम भाई इसकी, इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट करीब 41 के करीब है, 41 के, काफी हाइट वाला बकरा है ये, और 98 केजी जी। ओके, और ये वाला, ये वाला करीब 92 किलो का बकरा है और इसकी भी हाइट 40 प्लस है, 40 प्लस रहेगी। ओके, आप दोनों जो है सिंगल डबल जो भी आपको समझ में आता है आप स्क्रीनशॉट ले आप भेजे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नहीं भाई जो बिल्कुल एक्सोटिक चीज जैसे निकल रही है नहीं भाई, कौन सी नस्ल में है ये? ये सुफियान भाई सोजत और बर्बरी क्रॉस के बकरा है, सोजत और बर्बरी, इनकी सोजत की तरह आ गई बनावट वगैरह पूरा बर्बरी की तरह। नहीं इनकी माँ अगर दिखाना चाहो तो माँ भी खड़ी है मेरे पास में, और माँ भी दिखा सकते हो, उसके उसके बच्चे है ये, कौन सी वाली? ये ब्लैक बकरी है ना, ये इसके बच्चे है दोनों, थोड़ा उधर बगा उसको। अच्छा ये तो बहुत छोटी है नहीं भाई, बस इसी के दोनों बच्चे हैं। सोजत ब्रीडर अपना लगा होगा? हाँ ब्रीडर सोजत का है। ओके बताइए नहीं भाई इसकी डिटेल्स के बारे में। ये बकरा करीब करीब 100 किलो प्लस का बकरा है, और ये करीब होगा 85 किलो के समथिंग का बकरा, 85 जी। ओके, और क्या दांतों पर है ये? दांत चार दांत है, चार दांत भाई। ओके, इसकी तो काफी अच्छी हाइट है, हाइट और इसकी बनावट देखो, बनावट और साइड साइड वगैरह सारी माशाल्लाह, साइड बहुत अच्छी साइड बनाई हुई है, और ये चार दांत के दोनों बकरे, चार दांतों के। ये वाले का कलर बहुत अच्छा है, ये भी नहीं भाई बकरा सोजत? हाँ ये भी मतलब उसी का बकरा है, बर्बरी का, दोनों बकरे मतलब माँ वही है उसकी, बट मतलब वो टेढ़े टाइप के है, मतलब छोटी हाइट में खुले कान के बकरे। छोड़ दो ना दोनों को, थोड़ा छोड़ दो, बस ऐसे ही छोड़ दो बस। और सबसे बड़ी चीज है ना पैरों से वगैरह सारी चीज, इतना वजन लेने के बाद भी इनकी बनावट पैरों की और चाल चलन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बनावट आई है, चाल चलन बहुत अच्छा है, कलर इसका बहुत अच्छा है। चलिए आप जो है अगर इंटरेस्टेड है तो इस पे से स्क्रीनशॉट ले भेजे नईम भाई या अजुद्दीन भाई को, जो नंबर जो स्क्रीन पर है उसमें भेजे। बताइए नईम भाई आप ये दोनों के बारे में क्या डिटेल्स पर होंगे? सुफियान भाई एक 95 किलो का बकरा है, कौन सा वाला? प्योर सोजत के बकरे है, कौन सा वाला? ये 95 किलो का बकरा है और वो करीब 112-113 किलो का बकरा है, 112-113 केजी, ये जो है 95 केजी पर है। क्या दांतों पर रहेंगे नईम भाई? ये छह दांत के बकरे हैं, छह दांत के बकरे हैं। ओके नहीं भाई अगर कोई हमसे खरीदता है बकरे निम्बोल से, हम ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट का अगर गुजरात बॉम्बे लाइन का अगर रहता है तो मतलब ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, अगर किसी को हैदराबाद वाली लाइन में भी चाहिए तो मतलब ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, बिल्कुल मतलब ऑल ओवर इंडिया सर्विस वगैरह जो भी रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना, लेकिन अदरवाइज ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। हमें बुक करने के लिए अगर जो ऑनलाइन में हमारा वीडियो देख रहा है वो बुक कर रहा है, कम से कम कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट सौदा होने के बाद? जैसे मतलब सौदा होता है तो मतलब अमाउंट तो मतलब फुल अमाउंट होने के बाद बकरा ट्रांसफर करेंगे। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन अगर मतलब टोकन के रूप में कितना डालना पड़ेगा? टोकन पे तो क्या है मतलब सुफियान भाई अगर मतलब जैसे मतलब जो भी रहेगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। ओके, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ नईम भाई कि मैं नहीं चाहता हूँ कि 5000 टोकन में बकरा बुक करे, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी बन चुकी है बिना सुफियान भाई, फिर वो कस्टमर को फार्म वालों को फंसा देते हैं। इसमें क्या रहता है अपन टोकन अमाउंट पे अगर बात करेंगे ना, अगर किसी से टोकन लेके अपन 5000 रुपए लेके अटक गए तो बकरा अपन बेच नहीं सकते, वही चीज है। फिर अगर कुर्बानी के मतलब 10 दिन पहले 15 दिन पहले आदमी बोलता है कोई पेमेंट नहीं बना मैं नहीं ले पाऊंगा, तो मतलब ऐसा काम नहीं करते, टोकन लेके अटक कर। हाँ वही ना, फिर अगर किसी को बकरा चाहिए तो फुल अमाउंट से बकरा रुकेगा, नहीं तो जब चाहिए तब स्क्रीन शॉट पे अगर बकरा अवेलेबल रहेगा तो दे देंगे, सौदा कर लेंगे। ओके चलिए ठीक है, कुर्बानी के 10 दिन पहले माल यहाँ से निकल जाता, निकल जाएगा। ओके चलिए छोड़ दीजिए। चलिए नईम भाई ना पूरे सारे लोड पे एक झलक डाल देते हैं, ताकि उनमें से अगर किसी को जो भी समझ में आता है आप स्क्रीन शॉट ले कॉन्टेक्ट कीजिए। नईम भाई का नंबर जो है अजुद्दीन भाई का, नईम भाई का स्क्रीन पर रहेगा,
केजीएन एंड एग्रो गोट फार्म, केजीएन गोट एंड एग्रो फार्म निम्बोल। कुछ नहीं मैं कुछ होंटल मेंढेशिप भी है। हाँ जी, दो मेंढे हैं होंटल अदंत है अभी, ये भी अगर किसी को चाहिए तो फॉर सेल के लिए। एक मिनट, हाँ क्या डिटेल्स पर होंगे नहीं भाई? ये अदंत है और करीब 70 किलो के समथिंग के मेंढे है, अदंत में है, 70 केजी के अराउंड में जी। हाँ, नोज वगैरह पिंक में है ना? हाँ पूरे पिंक, पूरे पिंक और पूरे मतलब नोज वगैरह पूरा मतलब उभरा हुआ नोज है। ओके चलिए, आप जो है स्क्रीनशॉट ले नहीं भाई, ये भी है? हाँ ये सेल के लिए नहीं है। ओके चलिए, आप जो है नंबर जो है स्क्रीन पर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नहीं मैं, अगर कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है, जैसे मुंबई से हो गए, गुजरात से हो गए, दिल्ली से हो गए, यहाँ पर आना चाहते हैं, आकर खरीदना चाहते हैं और उनको बकरे वगैरह कुछ प्रोवाइड करना, करवा देंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का मतलब ये है कि हमारा होलसेल में काम है, हमारे पास में अगर कोई बकरा समझ में आता है तो हम हमारा बकरा अवेलेबल कर देंगे उसको, और अगर हमारा बकरा समझ में नहीं आता तो ऑन जंगल से भी हम लोग बकरे दिलाते हैं कमीशन बेस पे, अगर किसी को बकरा चाहिए तो। कितना कमीशन होता है? नहीं कमीशन तो जैसा मतलब डील के अकॉर्डिंग होता है, करीब करीब 500 रुपए नग के पीछे पकड़ के चलो, 500 रुपए नग के पीछे। उसमें क्या है कि हमारा मतलब वो ट्रैवलिंग वगैरह, हमारी गाड़ी वाड़ी घोड़े खर्चे सब हमारे ही रहते हैं। ओके, आपको यहाँ पर जंगल में ले जाना, घुमाना, सब कुछ खर्चा अपना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और नंग पर अगर एक बकरा खरीद रहे हो आप तो नंग पर जो है 500 रुपया सर, 500 रुपये नग के पीछे। ओके चलिए ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा नईम भाई का और अजुद्दीन भाई का, केजीएन गोट एंड एग्रोग्राम निम्बोल। चलिए नईम भाई, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में आएगा।